Welcome back to your EVS class. I am your teacher Shweta. Now we will start second chapter of the EVS book. Now open the book and turning the page and open the chapter My Body. आज हमारे टॉपिक या चैप्टर का नाम है My Body. चलिए अब हम इसे पढ़ेंगे. Parts of the body. हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं? चलो हम जानते हैं. Our body is a wonderful machine. हमारी बॉडी एक बहुत ही सुंदर मशीन है. आप कहेंगे ये तो हमारी बॉडी है मैम, मशीन कैसे? चलो मैं बताती हूँ. It is made up of many parts. जैसे कि मशीन बहुत सारे पार्ट्स को मिलके बनती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी बनी है. We can see some parts of the body. हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स तो देख ही सकते हैं. चलो मैं दिखाती हूँ. Label the parts of the body. Choose the names from the box below. जल्दी से पेंसिल ले लीजिए और मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे क्या लिखना है. इस पिक्चर्स को देखिए और अब हम सबसे पहले लिखेंगे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को. ओके, सबसे पहले ऊपर क्या डिनोट कर रहा है? आई. वहां पे हम क्या फिल करेंगे? आई. देन ये हाथों को दिखा रहा है, हाथों को क्या लिखेंगे? हैंड. देन हम आएंगे थोड़ा उसके नीचे, वहां पे हमें क्या शो हो रहा है? चेस्ट. चेस्ट क्या शो हो रहा है? चेस्ट. अब फिर हम उस बॉक्स के थोड़ा नीचे आएंगे, उस बॉक्स के नीचे क्या है? फुट. वहां पे हम क्या लिखेंगे? फुट. अब हम बॉडी के राइट साइड में आएंगे, राइट साइड के सबसे ऊपर पे क्या लिखना है? फोरहेड. हमें क्या लिखना है? फोरहेड. नेक्स्ट हम आएंगे नोज, उसके नीचे. वहां पे क्या डिनोट कर रहा है? नोज. अब उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे क्या डिनोट कर रहा है? नेक. फिर उसके नीचे आएंगे, नेक के नीचे है नी. देखा हमने कितनी जल्दी कर लिया ये वाला बॉडी पार्ट्स नेम, कितना इजी था. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके बॉडी पे पार्ट्स नेम उन सब को अपनी किताबों में फिल कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप मैडम को सरप्राइज कर सके. ओके, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन नॉट सी. कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम देख ही नहीं सकते, दे आर हिडन इनसाइड. वो हमारी बॉडी के अंदर छुपे हुए होते हैं इसलिए हम देख नहीं सकते. नेक्स्ट, वी आर ऑल डिफरेंट. हम सभी डिफरेंट होते हैं. वी ऑल हैव द सेम बॉडी पार्ट्स बट वी डू नॉट लुक द सेम. द शेप, साइज, स्किन कलर ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट. वी लुक डिफरेंट एज वी ग्रो. हम सभी बॉडी पार्ट सबके सेम है. Two eyes, two ears, one nose, one mouth, two hands, two legs. But हम सभी दिखने में different हैं. हमारा जो shape होता है body का, कभी किसी का oval, किसी का round, किसी का knife जैसा नुकीला. मजाक था. तो ऐसा होता है. पर skin color भी different होती है. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी पहले की photos और आज की photos में भी difference होता रहता है. इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चेंज होते रहते हैं. अब आते हैं उसके नीचे के टास्क पे. लुक वेरी केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ हिमानी, हर मदर एंड हर ग्रैंडमदर. डिस्कस द डिफरेंस अमंग देम. अब हम इसका डिस्कशन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंट है. ओके, जैसे कि ये आपको बॉक्स दिया हुआ है. यूज योर ऑब्जर्वेशंस टू फिल द टेबल बिलो. हमें हिमानी, उसकी मम्मा और उसकी ग्रैंड मदर को देखना है और बताना है कि क्या क्या डिफरेंट है. जैसे कि कलर ऑफ हेयर. हिमानी के बॉक्स में उसका कलर कैसा होगा हेयर का? डार्क ब्लैक. क्या होगा? डार्क ब्लैक. ओके, अब मम्मा का हेयर कलर कैसा है? मम्मा का थोड़ा शेडी ब्लैक है, शेडी ब्लैक. और ग्रैंड मदर का थोड़ा वाइट ब्लैक, वाइट प्लस ब्लैक है. अब हम बात करेंगे हाइट की. हिमानी की हाइट छोटी है तो शॉर्ट लिखेंगे. मम्मा उससे बड़ी है तो टॉल लिखेंगे. ग्रैंड मदर भी सेम है तो टॉल लिखेंगे. अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ द हैंड्स. नंबर ऑफ द हैंड्स, सबके पास कितने हैंड्स होते हैं? सबके पास तो टू हैंड्स हैं तो सबके बॉक्स में टू लिखेंगे. अब हम बात करेंगे वेट का. फैट, थिन. ओके, हिमानी तो थोड़ी फैटी है तो हम फैट लिखेंगे. उसकी मम्मा थिन है तो हम थिन लिखेंगे. और दादी माँ भी, ग्रैंड मदर भी फैट है तो हम फैट लिखेंगे. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. द फाइव सेंस ऑर्गन्स.
वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स. कितने ऑर्गन्स होते हैं? फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. देखो अब ये पिक्चर्स देखो. पिक्चर्स में ये आई बनी हुई है. आई में क्या लिखा है? वी सी विथ आवर आईज. हम अपने आईज के द्वारा देख सकते हैं. वी हियर विथ आवर ईयर्स. हम ईयर्स के द्वारा सुन सकते हैं. वी स्मेल विथ आवर नोज. हम इस नोज से सूंघ सकते हैं अच्छी खुशबू. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट. जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी टंग बताती है ना कि ये अच्छा टेस्ट है या बैड टेस्ट है, या खट्टा है या मीठा है. सेम अब हम बात करेंगे स्किन की. वी कैन फील द थिंग्स वी टच. जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है ना कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है या कैसा है. द स्किन हेल्प्स अस टू फील. जो हमारी बॉडी पे पूरी स्किन है ये हमें फील करवाने पे हेल्प करती है. ठीक है, आइए अब हम इसका भी नेक्स्ट टास्क करते हैं. जल्दी चलिए. सर्कल द बॉडी पार्ट यूज्ड इन डूइंग द एक्टिविटीज गिवन बिलो. हमें उस बॉडी पार्ट को सर्कल करना है जिससे हम ये एक्टिविटीज करते हैं. जैसे कि रीड. रीड हम कैसे करते हैं? बोल के या देख के? देख के करते हैं ना. तो यहाँ पे आई पे सर्कल कीजिए. ईट. ईट हम कैसे खाते हैं? माउथ से. तो माउथ की हेल्प से करते हैं. तो यहाँ पे माउथ को सर्कल कीजिए. अब आता है हियर. हम किससे सुनते हैं? टंग से या कानों से? कैसे सुनते हैं? कानों से. तो ईयर को सर्कल कीजिए. अब बात भी आती है स्मेल. हम कैसे स्मेल करते हैं? नोज से? नहीं, माउथ से. नो, हम नोज से स्मेल करते हैं. चलिए नोज को सर्कल कीजिए. वेरी गुड, ये टास्क हमने कंप्लीट किया. आप सभी मेरे बातों को ध्यान से सुने और जैसे मैं बोलती जाती हूँ अपने बुक्स में नोट करते रहिए. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे हैं. द हार्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. द हार्ड वर्किंग बॉडी. हमारी बॉडी भी क्या हार्ड वर्किंग होती है? पता नहीं, चलो अब पूछते हैं बुक से. ओके, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. हमारी बॉडी का हर हिस्सा अलग अलग काम करता है. जैसे कि आवर लेग्स हेल्प अस टू मूव. हमारे जो पैर हैं वो क्या क्या करने में हेल्प करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं. वी वर्क विथ आवर हैंड. हैंड हमारे क्या काम करते हैं? जल्दी बताओ, लिखने का काम करते हैं. एक चीज उठा के दूसरी जगह रखने का काम करते हैं. अब हम साफ करेंगे. राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स. हमें यहाँ बताना है कि ये सारे ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं. आईज. आईज क्या काम करते हैं? देखने का. तो यहाँ पे लिखो वॉचिंग. डब्ल्यू ए टी सी एच आई एन जी, वॉचिंग. लेग. लेग क्या काम करते हैं? मूविंग का. तो यहाँ पे लिखो एम ओ वी आई एन जी, मूविंग. फिंगर्स. फिंगर्स क्या काम करते हैं? राइटिंग का. W R I T I N G, writing. ये जो भी मैंने आपको बताया है, सिखा है, इसे अपनी बुक में नोट कीजिए. चलिए अब हम चलते हैं आगे के टास्क को फुलफिल करते हैं. लुक एट द पिक्चर. ये सारे पिक्चर्स देखो ऑफ मिस्टर दास एंड हिज हॉर्स ब्यूटी. राइट हाउ मेनी ऑफ द गिवन बॉडी पार्ट्स डज ईच हैव. ये जो हॉर्स है और ये जो मिस्टर दास हैं, इनके जो बॉडी पार्ट्स ये कैसे हैं सेम टू सेम? बट ये तो एनिमल है और एक तो ह्यूमन बॉडी है. आप पता करते हैं. मिस्टर दास के पास भी टू आई है. टू आई है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है. और हॉर्स ब्यूटी के पास भी टू आई है. बिल्कुल है. पर मिस्टर दास के पास टू लेग्स है और ब्यूटी हॉर्स के पास फोर लेग्स है. और अब हम फर्दर चलते हैं. मिस्टर दास के पास टू हैंड्स और ब्यूटी के पास कोई हैंड्स नहीं है. टेल. क्या मिस्टर दास के पास टेल है? बच्चों अच्छे से देखो पिक्चर्स. बिल्कुल नहीं है. तो यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना. टेल हमारी ब्यूटी के पास है तो हम ब्यूटी में लिखेंगे वन टेल. माउथ. मिस्टर दास के पास भी वन माउथ है और ब्यूटी के पास भी वन माउथ है. तो यहाँ पे हम वन माउथ लिखेंगे. वेरी गुड बच्चों, मैंने आपको जो जो भी बोला उसे अच्छे से बुक में नोट कर लीजिए.
अब हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और आ जाएंगे रिमेम्बर पॉइंट्स पे सब कुछ लर्न करने के लिए दोबारा से. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. वी कैन सी सम पार्ट्स एंड सम आर हिडन इनसाइड. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. हम कुछ बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं और कुछ छुपे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर. We all have the same body parts, but we do not look the same. हम सभी के पास सेम बॉडी पार्ट है बट हम दिखते सेम नहीं है. हम अलग अलग हैं. The shape, size and skin color of each person is different. We look different as we grow. हम सभी के shape, size, skin color बिल्कुल अलग अलग है. Person to person अलग अलग है. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे shape, साइज, कलर, स्किन एंड वो भी डिफरेंट होते जाते हैं खुद से भी. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है. वी कैन सी विथ आवर आईज, हियर विथ आवर ईयर्स, स्मेल विथ आवर नोज, टेस्ट विथ आवर टंग एंड फील विथ आवर स्किन. हम देख सकते हैं अपनी आईज से, सुन सकते हैं अपने कान से, स्मेल कर सकते हैं नोज से, टेस्ट कर सकते हैं अपने टंग से और फील कर सकते हैं अपने स्किन से. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. जैसे कि मैंने आपको 5 सेंस ऑर्गन्स के काम बताए, वैसे ही हमारे बॉडी का हर पार्ट अलग अलग काम करता है. ओके गाइज, मैं आपकी EVS की टीचर ये चैप्टर यहाँ खत्म करके आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ. ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ना. बाय बाय.